हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। तो अपना केमिस्ट्री फर्स्ट में जो चल रहा था विद्युत रसायन, तो विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना जो कल के वीडियो में टॉपिक में अपन किया था चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता। आज अपन जो चालकत्व होता है, चालकता होती है या तुल्यांकी चालकता होती है एवं मोलर चालकता होती है, इस पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे जैसे अपन तनुता डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, तनुता बढ़ाएंगे तो इस चालकता पर, चालकत्व पर या मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो घटेगा या बढ़ेगा। तो इन पर अपन तनुता का प्रभाव का अध्ययन आज अपन अध्ययन करेंगे। तो आज अपना टॉपिक रहेगा चालकत्व एवं चालकता पर तनुता का प्रभाव, यानी चालकत्व चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो तनुता बढ़ाने पर चालकत्व के मान में क्या आती है, वृद्धि होती है। जैसे जैसे अपन तनुता बढ़ाएंगे चालकत्व के मान में क्या होगी, वृद्धि। परंतु तनुता बढ़ाने पर चालकता है उसके मान में क्या आती है, कमी। तो अपन कह सकते हैं चालकत्व समानुपाती तनुता, चालकत्व समानुपाती तनुता, यानी तनुता बढ़ाने पर चालकत्व के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जबकि चालकता व्यतिकर्मानुपाती तनुता, यानी तनुता बढ़ाने पर चालकता के मान में क्या आती है, कमी। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि वास्तव में जो चालकता होती है, चालकता होती है जो किसी भी विद्युत अपघटन जो चालकता होती है उसमें उपस्थित प्रति इकाई आयतन उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जो अपनी चालकता होती है किसी भी विद्युत अपघटन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। क्योंकि जो अपन जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने बताया था, तो चालकता होती है एक तो होते धातु चालक, एक तो होते विद्युत अपघटनी चालक। तो विद्युत अपघटनी चालक को मैंने बताया था कि उनकी जो चालकता होती है उसके आयनों की सहायता से होती है, यानी आयनों की अभिगमन द्वारा आयनों की स्थानांतरण के कारण चालकता उत्पन्न होती है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटनी चालकों के अपन यहाँ पर पढ़ेंगे चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी जो चालकता होती है उसका तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर चालकता के मान में क्या आती है, कमी आती है। क्योंकि जो चालकता में होती है जो प्रति इकाई आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, जैसे जैसे अपन तनुता बढ़ाते हैं तो तनुता बढ़ाने पर जो प्रति इकाई आयतन होता है विद्युत अपघट्य का, उस प्रति इकाई आयतन आयनों की संख्या में क्या आती है, कमी आती है। और आयनों की संख्या में कमी आने की वजह से उसकी चालकता के मान में क्या आती है, कमी। ठीक, इस प्रकार प्रति इकाई आयनों की संख्या तनुता बढ़ाने पर प्रति इकाई आयनों की संख्या में कमी आने की वजह से उसकी चालकता के मान में क्या आती है, कमी। इसलिए हम कह सकते हैं कि चालकता बढ़ाने पर तनुता बढ़ाने पर चालकता के मान में क्या आती है, कमी। तो चालकता तनुता क्या होती है, व्यतिकर्मानुपाती। ठीक है, जबकि तनुता बढ़ाने पर चालकत्व के मान में क्या होती है, वृद्धि। तो यह तो था अपना चालकत्व चालकता पर तनुता का प्रभाव। ठीक है, इसके बाद आता है अपना तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता
पर तनुता का प्रभाव, यानी मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता तनुता पर कैसे प्रभाव पड़ती है। ठीक है, तो जो अपनी मोलर चालकता और जो तुल्यांक की चालकता होती है वह तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी दोनों ही तुल्यांक की चालकता एवं मोलर चालकता होती है दोनों ही तनुता बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि अपने जो कल के फॉर्मूले पर लिखा था लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू वी, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू वी, तुल्यांक चालक लिखा लैम्डा ई बराबर कप्पा इंटू वी, ये वाला फॉर्मूला अपने पास आया था। तो जैसे ही तनुता बढ़ाते हैं तनुता बढ़ाने पर जब भी जो चालकता होती है कप्पा, चालकता किससे प्रदर्श करते हैं कप्पा से, तो जैसे तनुता बढ़ाते तो चालकता के मान में क्या आती है कमी, चालकता के मान में क्या आती है कमी। तो जब कप्पा यानी चालकता के मान में जब तनुता बढ़ाने पर चालकता के मान में कमी आ रही है तो मोलर चालकता उसके मान में क्या होनी चाहिए, कमी आनी चाहिए, परंतु यह क्या होती है वृद्धि होती है, यानी मोलर चालकता समानुपाती तनुता, यानी मोलर चालकता होती है और तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि जो कप्पा यानी जो चालकता है वो तनुता बढ़ाने पर घटती है कम होती है। तो दोनों का गुणनफल है तो इस मोलर चालक के मान में क्या होनी चाहिए कमी आनी चाहिए, परंतु जो मोलर चालकता होती है लैम्डा एम इसके मान में तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि तनुता बढ़ाने पर इस चालकता के मान में क्या आती है कमी, चालक कप्पा के मान में क्या आती है कमी, परंतु जैसे अपन तनुता बढ़ाएंगे तो वी यानी आयतन के मान में क्या आती है वृद्धि। ये तो क्या है चालकता यानी कप्पा, इधर क्या है अपना आयतन, दोनों का गुणनफल क्या होता है लैम्डा एम। ठीक है, यानी मोलर चालकता, तो तनुता बढ़ाने में चालकता के मान में कमी आ रही है आयतन बढ़ रहा है, तो जितनी चालकता के मान में कमी आती है उसकी तुलना में आयतन में वृद्धि होती है वह अधिक होती है, यानी जो तनुता बढ़ाने में चालकता के मान में जो कमी आई उसकी तुलना में आयतन का मान क्या होता है ज्यादा बढ़ता है, और दोनों का गुणनफल क्या है मोलर चालकता। ठीक है, तो यही रीजन है कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता मान कहती है वृद्धि, क्योंकि जो चालकता मान कमी होती है उस कमी के मान की तुलना में आयतन में वृद्धि ज्यादा होती है, आयतन में वृद्धि अधिक होने की वजह से दोनों का गुणनफल क्या होता है अपना मोलर चालकता, तो इसी मोलर चालकता के मान में क्या होती है वृद्धि। तो ये कारण है अपना कि मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, उससे मतलब कि तनुता बढ़ाने पर चालकता के मान में कमी आती है जबकि मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। क्यों, उसका कारण ये होती है जो चालकता होती है वो तो प्रतिकाय आयतन में स्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए तनुता बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी आती है, इसलिए चालकता के मान में कमी आती है। जबकि मोलर चालकता होती है तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर जो चालकता के मान में कमी होती है उसकी तुलना में आयतन के मान में जो वृद्धि होती है वो अधिक होती है, इसलिए मोलर चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है, और यही कारण चलता अपना तुल्यांक की चालकता पर, क्योंकि तुल्यांक की चालकता पर क्या लैम्डा ई बराबर कप्पा इंटू वी। तो वही कारण है कि जैसे अपन तनुता बढ़ाएंगे तो चालकता के मान कमी आई तुलना में आयतन का मान ज्यादा बढ़ता है, इसलिए तुल्यांक की चालकता भी क्या होती है तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। तो ये तो फैक्ट थे अपने चालकता चालकत्व मोलर चालकत्व तुल्यांक चालकत्व तनुता का प्रभाव। ठीक है, कभी कभी क्या करता है इसको उल्टा करके पूछ लेता है चालकता मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव, इसमें अपने हल्का सा उल्टा करना है, जब सांद्रता बढ़ती है तो तनुता घटती है, सांद्रता बढ़ती है तो तनुता क्या होती है कम होती है, तो सांद्रता बढ़ाने पर चालकता मान क्या होता है बढ़ जाता है और चालकत्व को मान क्या हो जाता है घट जाता है। ये हल्का सा अपने को ध्यान रखना, तनुता पूछता है या सांद्रता पूछता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर चालकता के मान में क्या वो क्यों क्या हो जाती है वृद्धि होती है, क्योंकि सांद्रता बढ़ने पर प्रतिकायतन आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये तो था आज का अपना टॉपिक चालकता और चालकत्व या तुल्यांक चालकता मौलिक चालकता तनुता का प्रभाव। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।